वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम कुकिंग। आज इस वैलेंटाइन डे स्पेशल पर बनाते हैं ये मज़ेदार सी ब्राउनीज, जिसको कि हेल्दी रखने के लिए डेकोरेट करेंगे कुछ फ्रूट्स के साथ। इस वैलेंटाइन डे पर ये ब्राउनीज बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, खुद खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले सारे इन्ग्रीडियंट्स को निकाल के रख लेना है। इसमें हमको चाहिए 3/4 कप मैदा, 2 अंडे, 1 कप चीनी, 1/4 कप अखरोट जिनको कि तोड़ लिया है, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 कप ऑयल, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 चाय का चमचा वनीला एसेंस। सारी इंग्रेडिएंट्स को निकाल लिया है, अब हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हार्ड शेप का पैन लिया है, 8 इंचेस का पैन है ये। इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरह से, और अगर आपके पास हार्ड शेप का पैन नहीं है तो आप 8 इंच का कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पैन भी यूज़ कर सकते हैं। एक चुटकी आटा छिड़क देंगे, और ये मैं इसलिए छिड़क रही हूँ यहाँ पर कि केक को निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ओवन को 350 फारेनहाइट पे गर्म करने के लिए लगा देंगे। अब सारी तैयारी हो गई है, अब मिक्सिंग शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बोल ले लेंगे, इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर शुगर मिक्स करेंगे, फिर इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर इसके अंदर हम आगे के इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। ऑयल के साथ कोको पाउडर और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें अंडों को मिक्स करेंगे, अंडों को डाल देंगे और इसी से विस्कर से इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इस बोल पे एक छन्नी रख देंगे, और छन्नी के अंदर हम मैदे को डाल देंगे, और इसी वक्त यहाँ पर बेकिंग पाउडर और नमक भी मैदे में ऐड कर देंगे, और सबको मिला के अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको छानने की वजह से क्या होता है, कोई लम्स नहीं रहते हैं और हमारी बिल्कुल इवेंटली जो है वो हमारी मिक्सिंग हो जाती है। अब मैदे को विस्कर की मदद से हम पूरे अच्छे से इसको मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम वनीला एसेंस डाल देंगे, वनीला एसेंस डाल के भी इसको 1-2 बार चला देंगे। अब इसमें अखरोट को ऐड कर देंगे, अखरोट ऐड करके बस 1-2 बार ही हम इसको चलाना है। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम अपने कंटेनर में पोर कर देंगे। पोर करने के बाद इसको हम थोड़ा सा हाथ से हिला देंगे बर्तन को, और थोड़ा सा टैप भी कर देंगे कि अगर एयर वगैरह होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी। ओवन हमारा गर्म हो गया है, इसको हम ओवन में डाल देंगे और 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट पे एक बार चेक कर लेंगे, और अगर नहीं हुआ रहेगा तो थोड़ी देर और दे देंगे। 30 मिनट के बाद एक चाकू डाल के अंत निकाल के देख लेंगे, बिल्कुल क्लीन निकलेगा तो इसका मतलब कि ये हो गया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके किनारों को लूज़ कर लेंगे और इसको प्लेट के ऊपर उलट के निकाल लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट ब्राउनीज तैयार है। अब इसको हम कुछ फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कीवी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज लिया है। आपको जो फ्रूट्स अवेलेबल हों या आपको जो फ्रूट्स पसंद हैं, आप उनके साथ इसको डेकोरेट कर लीजिए। ये बहुत ही आसान और फुल प्रूफ और टेस्टेड रेसिपी है। अगर आप इसको इसी मेजर से बनाएंगे तो आप जब भी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट आपका ये बनके तैयार होगा। और इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ और इसको ट्विस्ट देना, तो आप चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर डाल देंगे, तो आपको एक नया तरह का फ्लेवर, चॉकलेटी फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप वो भी इसको बना सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसमें कोई भी तरह का वेरिएशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी एक छोटी सी छन्नी में डाल के ले लिया है, और इसको इसी के ऊपर छिड़क देंगे। छन्नी की सहायता से अगर छिड़केंगे तो ये हमारा बिल्कुल इवनली जो है वो हर तरफ आएगा। ये जो इसके चीनी के जो ग्रैनुल्स हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इनको बना के देखिए, इस तरह से बहुत मज़ा आएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको एक परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।